मंडी जिला में निर्माणाधीन फोर लेन में कंपनी और स्थानीय ठेकेदारों के बीच पेमेंट को लेकर ठन गई है। मामले में गुटकर से पंडो तक काम कर रही केएमसी कंपनी जब से फोर लेन बनाने का कार्य कर रही है और रोजगार के नाम पर स्थानीय ठेकेदारों और लोगों का शोषण कर रही है। ये बात हिमाचल प्रदेश फोर लेन एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल ने कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति चाहे वो मजदूर हो या ठेकेदार हो, सभी को उसके काम के 10वें हिस्से का भुगतान होता रहा है, लेकिन इस बार तो जिन ठेकेदारों का काम 8 माह से फाइनल हो गया है, कंपनी उनका भुगतान नहीं कर रही है और ये कह रही है कि NHI से उनको पेमेंट नहीं हुई है, जब होगी तो भुगतान एक मुश्त में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार जिनका फाइनल काम हो गया है, उन्हें आंशिक की बजाय पूरी पेमेंट हो। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले कंपनी को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की पेमेंट NHI से हो चुकी है, लेकिन कंपनी ने एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दी। अगर से पंडोह जो फोरलेन का काम चल रहा है, NHI ने KMC एक कंपनी है उसको काम दे रखा है, KMC कंपनी कॉन्ट्रैक्टर जिन कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे काम किया उनकी पेमेंट नहीं कर रही है, और पिछले 6 महीनों से जिन कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल हो गया है उनको वो पार्ट पेमेंट करने की बात कर रही है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने NHI के अधिकारियों से भी संपर्क किया और ये पता लगा कि KMC को NHI से पेमेंट मिल चुकी है, KMC आगे कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट नहीं कर रहा है। तो हमने ये जो सोमवार है इस तक का टाइम दिया है कि सोमवार तक अगर KMC कॉन्ट्रैक्टर जिनका फाइनल हो चुका है उनकी फाइनल पेमेंट नहीं करती है तो KMC का दफ्तर बंद करेंगे और जो अपना काम चल रहा है उसको बंद करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पहले भी हमारे जिन लोगों ने फोर लेन में काम किया है किरतपुर से लेकर नेरचौक तक, उनको भी ठगा गया। एक ILFS कंपनी यहां पे आई जिसने तकरीबन 7 करोड़ की पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर की नहीं की और आज कंपनी दफ्तर बंद करके चली गई है। तो हम ये नहीं चाहते कि आगे भी हमारे कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ऐसा धोखा हो। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।